अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा जी, ये मैं धुंध की सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ पाकिस्तान में। मैंने बोला एक MSC वीडियो शेयर करता चलूँ और लै भी तू नस जा। ये रक्शे वाला देख लो, अन्ना धुंध जा रहा है और मेरी बाइक की स्पीड आप देख लें जी, 30-40 इससे ऊपर जा ही नहीं रही है। और ये मेरी बाइक की लाइट है सामने जो आपको दिखाई दे रही है, ये जा रही है जी। और सामने धुंध के नज़ारे करें जी, कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है यार, इतनी धुंध है। और अभी टाइम हुआ है तकरीबन, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर हुआ होगा तो 6:30-7 का, या 7 ही बहुत बच आप बोलें। ये एक बाइक वाले ने मुझे अभी क्रॉस की हुए, आप मुझसे बोला नहीं जा रहा है, इतनी सर्दी हो गई है ना, यकीन कीजिए। और जिस हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, वो हाथ भी मेरा सुन्न हो चुका है। और अभी ये तकरीबन 1.5 मिनट की वीडियो बनी है बस, तो ये कुछ गाड़ियों ने अभी क्रॉस किया है देख लें, और बिल्कुल स्लो जा रही हैं जी गाड़ियाँ। और ये पंजाब, पाकिस्तान और धुंध के नज़ारे। सर्दी माशाल्लाह पिछले वीक से शुरू हो चुकी है काफ़ी, जिसे बोलते हैं सर्दी, ठीक है। और आज तो अखीर हो गई है जी, आज तो धुंध इतनी पड़ी है कि आप यकीन कीजिए माशाल्लाह क्या कहने। और यहाँ पर कुछ धुंध कम हुई है, उसकी रीज़न ये है यहाँ पर आबादी है। ये रोड के ऊपर एक गांव है, हल्का सा दरबार शरीफ है साथ में, बहुत बड़ा माशाल्लाह। और इस वजह से कुछ धुंध कम हुई है यहाँ पर। आगे फिर आपको थोड़े नज़ारे कराता हूँ धुंध के। मैं मेन रोड से जा रहे हैं और मैं तो भाई निकला था, अभी आपको अपनी भी बता दूँ किस लिए निकला था। मैं तो निकला था भाई ये मछली के लिए, चलो सर्दी है मछली खाते हैं यार। आज हमारे शहर की मशहूर मरूफ एक मछली थी, तो वो लेने गया और फंस गया भाई वहाँ पर। आधा घंटा लग गया मछली बनाते, वो लोग जारी सी बातें बना कर देते हैं, और मछली की दुकान पर ऐसे रश लगा हुआ कि छोड़ दें। और जब वापसी का सफ़र शुरू किया है तो ये देख ले ये हालात है। और मेरे चेहरे से इस वक्त ऐसे है जी जैसे बंदा अपना मुँह धो नहीं लेता ठंडे पानी से और पानी टपकता है, ऐसे मेरा चेहरा और पलके वगैरह ऐसे हो चुकी है, और हाथ तो मेरा बर्फ़ हो चुका है यार, जिस हाथ से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। बाइक की स्पीड वही 30-40 मेरी, और मैं ही कुछ बंदों को क्रॉस कर रहा हूँ, और कुछ गाड़ियाँ वैसे मुझे क्रॉस की हैं कुछ गाड़ियों ने। अभी एक बाइक वाला आगे जा रहा है जिसके पीछे लेडीज़ बैठी हुई है, शायद पता भी नहीं चलता ना ठंड में लेडीज़ है कि जेंट्स है, बंदा है कि बूढ़ी है, क्योंकि उत्तर चादरा तब लेटियाँ होती है सारे ने। पंजाबी से भी कुछ करना यार समझ लिया करो, मुझे पंजाबी पढ़ा जे। अच्छा चलो जी, ये लेडीज ही है यार, एवं कर लगी थी कैमरा नहीं बंदा पार्टी पैर, ओ जेंट्स है यार, मैं बोल रहा हूँ लेडीज़ है, दरमियान में बच्चा बैठाया हुआ उन लोगों ने, दोनों जा रहे हैं आराम आराम से, नंगे जा भी तला तू साड़ी खा रहे वह इधर जाने। अच्छा जी, वो मेरी तो बाइक कुल्फी जम गई है, और मैं बहुत सोच रहा हूँ आगे हमारे गांव का रास्ता शुरू हो रहा है और रास्ता ख़तरनाक है, चोरों ने अगर लूट लिया तो वो मिलके हुसन वालों को वो अलग से मामला होगा, वरना हम जाते रहेंगे जी। और घर जाकर फिर आपको मछली का छोटा सा दीदार कराता हूँ जिसको हम खाने वाले हैं। तो पाकिस्तान की भाई फिर मछली क्या बात है दरियाओं की। और अभी आगे गाँव का रास्ता शुरू होता है जी थोड़ा डेंजरस किस्म का, तो फिर मोबाइल बंद करके मेरी ये मानना है कि जेब में डाल लेना वही बेस्ट है जी। तो अभी धुंध में हाथ अकड़ गए यार मेरे वैसे, तो ये दो मैंने जिंगर लिए और मछली साथ में आपको दिखाता हूँ जो लेकर पहुँचाऊँ घर। और ये है जी मछली फ्राई। अच्छा इसमें कोयला फिश भी आपको मिल जाएगी, ये फ्राई मैंने ली वैसे, और इसका रेट वैसे जो 1200 रुपये किलो मिलता है पाकिस्तान में, और बेहतरीन किस्म की, वैसे इससे कम रेट पे मिलती है लेकिन ये इनकी वैरायटी थोड़ी अच्छी होती है। तो बहरहाल जी अभी तो खाते हैं, एंजॉय करते हैं।